किस तरह से खिदमत अंजाम दिए, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने, उनकी एक तस्वीरी नुमाइश यहाँ पर लगाई गई है। और सुबह से जो है तुलबा मुख्तलिफ कॉलेजेस के और स्कूल्स के और टीचर्स और जो जितने तमाम हैं तमाम यहाँ पर आकर इन तस्वीर का मुशाहिदा कर रहे हैं। और हमारे मुकामी हमारा ये मकसद ये है कि आजकल जो माहौल बना हुआ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जो दूसरा दर्जे का शहरी समझा जा रहा है, उन फ़िरका परस ताकतों का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हमको, हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम भी जो हमारे आबो अजदाद की जो कुर्बानियाँ हैं
इस मुल्क को आज़ाद कराने में उसको जो है उससे आगाह करें, हमारे अपनाए वतन को। साथ ही साथ हम मुसलमानों की भी ये जिम्मेदारी है कि हम खुद इस अपनी तारीख से वाकिफ़ हों, क्योंकि हमारा जो हमारी जो नई नस्ल है वो काफ़ी हद तक जो है उनको मालूम की कमी है, जिसकी वजह से जो है हम अग्यार का जो है बरवक जवाब नहीं दे सकते। तो हमारी ये कोशिश है इस एग्ज़िबिशन के ज़रिए कि जो मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी हैं जिनके नामों को भुला दिया गया है, उनके नामों को, क्योंकि 15 अगस्त कल में परसों आज़ादी का दिन है, 70वीं जो है हम जो हमें आज़ादी मनाने जा रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है हम हमारे जो मुजाहिदीन आज़ादी है उनकी भी उनको भी हम एक बार याद करें और उनकी कुर्बानियों को याद करें। और उन्होंने उनकी वजह से जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसके अंदर भी बड़े बड़े ओहदों के ऊपर जो मुसलमान थे जिन्होंने अपनी दौलत को न सिर्फ दौलत की कुर्बानी दी, अपनी जायदादों की कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी दी। मगर अफसोस हमें यह होता है कि आज भी जो है हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ जो इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है हुकूमतों की जानिब से, फिरका परस्तों की जानिब से, उनको ये समझना चाहिए कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। जितने मुल्क के अंदर हकदारी और हिस्सेदारी आपकी है, जितना हक आपका है उतना ही मुसलमान।